गुलबर्गा लोगों को आग खुलाना चाहता हूँ, ये लोग करप्ट सिस्टम क्या कर रहे, क्या करने जा रहे बोल के। ये देखिए अभी काम चालू में है, कब से 6 महीने साल से काम चालू कर रहे, अभी काम में क्रैक्स आए सो है। साउथ MLA को मैं इतना बताना चाहता हूँ, 10 करोड़ ऑलरेडी खर्चा कर रहे ना, वो लेक का पानी बदबू आ रहा, हाँ बदबू आ रहा। गोवा होटल को कनेक्ट करता ना, उधर से जगत जाने वाला मेन रोड से अंदर 15 फीट तक, हाँ अंदर एक स्लैब डाले सो लेक डेवलपमेंट बोर्ड का, ये बनाने के लिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल एस्टिमेट और टेक्निकल फिजिबिलिटी पूरा RTMA निकाल के लिया हूँ। ये टेंडर BJP का प्रभावी लीडर, वो बीदर डिस्ट्रिक्ट का है प्रभावी लीडर, उनको दिए सो है। आप साफ साफ दिक्को आता है इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है, साउथ MLA का हाथ कितना है बोल के। मैं अभी 1 घंटा के पहले ही श्री प्रियांक खड़गे जी MLA चितापुर एक प्रेस मीट किए, 1000 साल का पुराना किला है उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपका सूटकेस भर्ती करने का काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल पब्लिक नहीं सुन पाएगा। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road Gulbarga. वो मेन रोड है ना, मेन रोड कौन सा बोले तो कल्याणी पेट्रोल पंप गोवा होटल को कनेक्ट करता ना, उधर से जगत जाने वाला मेन रोड से अंदर 15 फीट तक, हाँ अंदर एक स्लैब डाले से, वो स्लैब तक क्या किए से 15 फीट आके स्लैब डाले से बोले तो 15 फीट परमानेंटली उधर उसके बाजू पानी नहीं जाना बोल के डाले सो है। ये 15 फीट कहाँ तक बोले तो वो कल्याणी पेट्रोल पंप उधर से डायरेक्ट जगत तक, ये 1 किलोमीटर है एक रोड टोटल, ये लेंथ 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इंटू 15 फीट बोले तो आप समझिए कितना होता टोटल, एक लेक कितना है ना उधर देखिए आप, इधर एक 400 फीट है टोटल, ऐसे 400 फीट है, ऐसे 1000 फीट है बोले तो टोटल ये 40,000 फीट का लग रहा है, कह रहे 1.5-2 एकड़ में कह रहे हैं टोटल, इसमें 15-20% क्या बोलते हैं अंदर आके स्लैब डाले है ना, उससे क्या होता अप्पा तालाब का जगह कम होता, पानी इधर तक क्या आना बोल के ये किए। इससे पहले क्या होता था पानी उधर तक बाउंड्री तक आता था, कभी भी बरसात आता था बोले तो कलबुर्गी में पूरा अप्पा तालाब भरते थे, वो छोड़ के वो साइड रोड में पानी आता था, किला रोड है ना उधर प्रकाश टाकिस कनेक्ट होता ना वो मैकानाबार से, उधर पूरा पानी आता था बोले तो उतना हमारा तालाब का कैपेसिटी ख़त्म हो के ही उतना पानी आता था। अभी है सो जगह में कम कर रहे बोले तो तालाब वाले, पानी कहाँ जाना, हाँ लोगों का घर में जाना पानी क्या रोडों पे आना, अभी बरसात हैवीली हो रहा गुलबर्गा देखे ना आप, अभी इधर तालाब में पूरा पानी कहाँ है, नहीं है पूरा उधर डाइवर्ट किए सो है, उधर पूरा नाली में घर के लोगों के घर पे आ रहे रोड पे आ रहे, ऐसा हो के क्या हो रहा पब्लिक का प्रॉब्लम हो रहा, बेसिक रहने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको करेक्ट करने नहीं सोच रहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफिसर, वो छोड़ के ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे टोटल 10 करोड़ का, ये मैं लेक डेवलपमेंट बोर्ड का ये बनाने के लिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट टेक्निकल एस्टिमेट और टेक्निकल फिजिबिलिटी पूरा RTMA निकाल के लिया हूँ, उसका स्टडी भी किया हूँ, इसमें क्या है एक का दुगनी रेट लगाए सो है टोटल, इसका टेंडर हुआ है कितने का बोले तो 10 करोड़, उसमें 8 करोड़ 59 लाख का क्या है सिविल वर्क से, वो छोड़ के बचे सो 2 करोड़ 41 लाख में क्या क्या बोले तो प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बेंचेस साइन बोर्ड्स, प्रोवाइडिंग परगोला वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड CC कैमरा, लैंडस्केप एंड प्लांटर बॉक्स बोल के 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 41 लाख टोटल, 8 करोड़ 59 सिविल वर्क, 10 करोड़ का टेंडर बनाया सो है। ये टेंडर BJP का प्रभावी लीडर, वो बीदर डिस्ट्रिक्ट का है प्रभावी लीडर, उनको दिए सो है बोले तो साफ साफ पता होता कि इसमें क्या है घोटाला बोल के। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कलबुर्गी के दक्षिण मत क्षेत्र के MLA दत्तात्रेय पाटिल रेवूर जी, उन्होंने क्या किए एक कॉरपोरेशन में मीटिंग बुलाए, ये टेंडर BJP का प्रभावी लीडर, वो बीदर डिस्ट्रिक्ट का है प्रभावी लीडर, उनको दिए सो है। हाँ ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ कैसा स्टार्ट हुआ बोल के मैं बताना चाहता हूँ, उसमें
मीटिंग हुआ। ये दत्तात्रेय पाटिल रेवर उनका लेटर है। ये लेटर सीएम को दिए, देखिए 10 करोड़ का चाहिए हमारे को बजट, लेक डेवलपमेंट करेंगे बोल के। सीएम क्या किए, ऐसे एमएलए दबदबाव में है आजकल, बोले तो ऑपरेशन कमल करके एक 12-15 एमएलए खरीद के गवर्नमेंट चला रहे। ऐसे कोई भी एमएलए जाते बीजेपी का, या उनको मंत्री नहीं दिए थे ना, नहीं दे रहे बीजेपी वाले को, उनका लेटर ले गया तो ठीक है 10 करोड़ 20 करोड़ ये साइन करके दे रहे। इन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ज़रूरी है क्या नहीं, वो नहीं देख रहे। ये देखिए ये लेटर है, वो लेटर पे 10 करोड़ रुपए का सैंक्शन केस है, इनका लेटर है वो रिक्वेस्ट लेटर। वो होने के बाद इधर मीटिंग किए, कौन कौन थे मीटिंग में बोले तो दत्तात्रेय पाटिल रेवर, एमएलए पांडवे, राहुल, तुकाराम कमिश्नर, पहले का कमिश्नर कॉरपोरेशन, और दशवंत एल गाजरे कार्यपाला बिरते करो डब्ल्यू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और सिद्धगोंड सहायक कार्यपाला करो असिस्टेंट इंजीनियर। टोटल 4 लोगों का मीटिंग हुआ, कब, 27 नौ 2019 में 4 लोगों का मीटिंग हुआ। उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग उस पर डिसीजन लिया है कि उनको एक काम में 10 करोड़ का काम करना है, हम डिसीजन ले रहे बोल के, सिर्फ 4 जनों का मीटिंग करके। इधर एनओसी दिए, कौन एनओसी दिए, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उनको कमिश्नर लिखे, कॉरपोरेशन कमिश्नर लिखे लेटर, कब लिखे उन्होंने, 27/11 को लिखे, क्या बोले तो एनओसी दो बोल के 27/11/2019 को कमिश्नर कॉरपोरेशन कमिश्नर ने लेटर लिखा डीसी को, कब, वो शाम में इन्वॉल्व होता, इधर टाइम देखिए शाम में इन्वॉल्व होता उसी दिन 27/11 को। उसका नेक्स्ट डे ये एनओसी के लिए केरे अभिवृद्धि प्राधिकार तालाब डेवलपमेंट बोर्ड रहता ना, उसका चेयरमैन डीसी रहता है, उन्होंने ये काम को एनओसी देना। वो वेरी नेक्स्ट डे, इधर देखिए 28/11/2019 को वेरी सुबह नेक्स्ट डे ही एनओसी मिलता उनको, बोले तो आप साफ साफ दिक्को आता इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है, साउथ एमएलए का हाथ कितना है बोल के। बोले तो विद इन 24 आवर्स एनओसी मिलता, वो लेटर पुट अप होके, कौन सा भी लेटर कॉरपोरेशन में रन दो, डीसी ऑफिस में रन दो, कैसा होता बोले तो, वो जाके इन्वर्ड होना, इन्वर्ड से केस वर्कर को जाता, पुटअप होना, नोटिंग लिखना, केस वर्कर लिखने के बाद फिर हायर ऑफिसर को जाके दिखाते, डीसी ऑफिस में एडीसी को दिखाते, एडीसी के बाद डीसी को जाते, वो प्रोसेस के लिए 8-10 दिन तो लगता है मिनिमम बोले तो। सिर्फ 24 आवर्स के अंदर एनओसी दिए, कौन बोले तो पहले डीसी थे शरद बी शरद सर, उनका ही सिग्नेचर है इधर एनओसी पे। मैं अभी 1 घंटा के पहले ही श्री प्रियांक खरगे जी एमएलए चितापुर एक प्रेस मीट किए, वो प्रेस मीट में ये तालाब का भी इशू निकालते, उन्होंने बोलते डीसी एनओसी नहीं दिए, कह रहे अभिवृद्धि प्राधिकार तालाब डेवलपमेंट बोर्ड का लेटर नहीं लिए बोल के। इधर साफ से लिए सो है, उसके वो करेक्शन मैं बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी ये एनओसी लिए बट 24 आवर्स में लिए, दबदबाव करके लिए सो है। इससे पहले उन्होंने डीएमए को लेटर दिए थे, क्या बोले तो हमारे को ये काम करना है बोल के। डीएमए वाले क्या किए थे, कॉरपोरेशन को लेटर लिखे थे आप एनओसी लेना है इसका, किनसे, केरे अभिवृद्धि प्राधिकार कलबुर्गी चेयरमैन कौन डीसी, उनसे लेना बोल के उन्होंने सीधा लेटर लिखे। उस और सेकंड में क्या लिखे, कंडीशन उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी लेना बोल के, ये सभी इमीडिएटली ले लिए। लेने के बाद फिर किनको भेजे उन्होंने, ये मान्य मुख्य अभियंतरु सन्न नीरावरी इलाके विजयपुर, ये माइनर इरिगेशन है ना, उनको लिखे माइनर इरिगेशन वाले, इनको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के वास्ते एनओसी देना था। और ये देखिए 18/12 को निर्देशकर कचहरी पौराड़ित निर्देशन वाले लेटर लिखते किनको, कॉरपोरेशन वाले को लिख के क्या बोलते, आपका किरिया अभिरंत करो असिस्टेंट इंजीनियर रवि चौहान खुद आके हमारे को मिल के गए 19/12 को, उनको बताया सो है हम आपको डिटेल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑल फाइल फाउंडेशन बंड सेफ्टी का टेक्निकल ओपिनियन देव बोल के, देने के बाद ही आपको ये मैं प्रोजेक्ट का अप्रूवल करते बोल के। बोले तो ये इसमें साफ साफ दिक्कत आता, एक असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कितना फॉलोअप पे है प्रोजेक्ट में, डे टू डे कहाँ जाओ बोले तो एक
कॉन्ट्रैक्टर कैसा जाता ना उसका काम लेने के लिए, उधर जाओ बोले तो उधर जाता, इधर जाओ बोले तो इधर जाता, बेंगलोर जाओ बोले तो रातों रात जाता, उधर ऑफिसर को मिलके काम करा लेके आता। वैसे इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स पूरा इन्वॉल्व होके कॉन्ट्रैक्टर का बेनिफिट के लिए, MLA का बेनिफिट के लिए उनका डायरेक्शन पे पूरा काम किए, सो है पूरा प्लान्ड, क्या बोलते हैं, प्लान्ड एग्जीक्यूशन है इसमें। और इधर प्रपोज, एक प्रपोजल है, प्रपोज कंसेप्चुअल लेक फ्रंट डेवलपमेंट ऑफ श्री शरण बसवेश्वर लेक बोल के, उसमें सीधा लिखे सो है इधर सोर्स, पानी का सोर्स क्या है, रेन वाटर एंड फिल्टर बेड वॉश वाटर बोल के, पानी का वाटर आता इधर, पानी ISO पूरा भर्ती होके रहता बोल के, कभी भी बारिश में आता ना पानी वो इधर ठहरने के लिए ये लेक है बोल के। और सेकेंड में पर्पस बोल के, सिंस फ्रॉम द अर्ली डेज दिस लेक इज़ यूज फॉर कैटल रीनिंग, बाथिंग, फिशिंग एंड फॉर वॉशिंग देयर क्लोथ, नाउ द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइंड फिल्टर बेड वॉश वाटर टू लेक फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर द सराउंडिंग एरिया। इधर साफ साफ कॉरपोरेशन वाले लिखे सो है, पहले ज़माने में ये तालाब कौ वो सभी बात करने के लिए और धोबी उनका कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते थे, अभी वो सभी बंद किए सो है, सिर्फ ये लेक बरसात में पानी आए सो जमा होना और क्लियर है। लास्ट में ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर द सराउंडिंग एरिया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर सराउंडिंग एरिया बोले तो ये कितने भी आसपास में दो चार किलोमीटर है ना उधर का ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, बोले तो हमारा मोबाइल रिचार्ज खत्म होने के बाद हम कैसे रिचार्ज करते हैं ना, उससे पहले वैसे ग्राउंड का पानी हमारे को क्या बोलते हैं धूप काल में कम नहीं होना, बोरिंग डाले से रहते घर में कम नहीं होना बोल के, उससे पहले क्या होता ग्राउंड वाटर ये कैरी का तालाब का पानी रहे तो वो अंदर से जाके दूसरे एरियाज में आसपास एरिया में ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता, उससे क्या होता घर में पानी कम नहीं होता, इधर सराउंडिंग कितना भी एरिया है ना वो। बट ये लोग कैसा कर रहे हैं ना, इसमें 20-25% का लेक का जगह कम कर रहे हैं काम करके, उससे क्या होता आगे वाले दिनों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का तकलीफ होता। अभी हम गए बरसात में देखे कितना लोग परेशान हो गए, कितने लोगों के पास बोरिंग रहते हुए भी हम पानी नहीं पी पाए, बोले तो उतना पानी बोरेल का ख़त्म ही हुआ था महीना डेढ़ महीने में, कब धूप काल में। ऐसा सिचुएशन है गुलबर्गा का, क्यों बोले तो 45-46 सेंटीग्रेड इधर धूप रहता, उससे क्या होता पानी जल्दी ख़त्म होता ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होने में। इसके लिए मैं मांग करता हूँ आप काम कीजिए, टूरिज्म डेवलपमेंट का काम करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे बोल के बनाइए, टूरिज्म करने के लिए किला है कितना हजार कई 700-800 साल 1000 साल का पुराना किला है, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ एरिया है इधर, बहुमनी लोग आके ये किए सो है, बहुत कुछ हमारे पुराने लोगों का सेंटिमेंट है और प्लेसेस है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, वो कीजिए, वो छोड़ के एक तालाब खराब करने बैठे हैं किसके लिए, चुप शो बता के पब्लिक इधर ज़्यादा लोग घूमते हैं रोड पे दिखाने के लिए कि आप वो कर रहे क्या वो छोड़ के मैं एक रिक्वेस्ट है MLA लोगों का, आपका यूथ्स को काम दिलाने का काम कीजिए, यही 10 करोड़ एक MLA को 10-20 ऐसे CM दे रहे ना, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना 9 कॉन्स्टेंसी है गुलबर्गा में, ऐसे ही सब मिल के एकजुट होके कांग्रेस रन तो BJP रन तो दोनों मिल के एक 1000 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ में एक प्रोजेक्ट लाइए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कीजिए, पेट पालने का काम कीजिए, वो छोड़ के आपका सूटकेस भर्ती करने का काम कर रहे हैं ना बिल्कुल पब्लिक नहीं सुन पाएगा, क्यों बोले तो ये 10 करोड़ का काम है ना, उस वो काम आपका आप ये में एस्टिमेट लिया हो ना, कौन सा भी स्टैंडर्ड इंजीनियर को बताइए 5 करोड़ का काम नहीं है 10 करोड़ का टेंडर करके आधा पैसे ले रहे, अभी बोल रहे ना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 40% का किकबैक ले रहे, 40% का सरकार कर रहे बोल के वो सीधा सीधा साफ पता चल रहा है गुलबर्गा में भी 40% सरकार कितना एक्टिवली फंक्शनिंग कर रहे ऑपरेट कर रहे बोल के वो बताना चाहता हूँ मैं पब्लिक के लिए, सभी आवाम गुलबर्गा लोगों को वो आँख खुलाना चाहता हूँ, ये लोग करप्ट सिस्टम क्या कर रहे क्या करने जा रहे बोल के। ये देखिए अभी काम चालू में है, कब से 6 महीने साल से काम चालू कर रहे, अभी काम में क्रैक्स आए सो है क्रैक्स आए, अभी क्रैक्स आए बोले तो
कैसे ये काम खत्म होने के बाद नहीं नहीं बोले तो डेली ये देखने के लिए कई हजारों लोग में आएंगे। ये सभी स्टैचू बिठाने के भी टेंडर फ्लोट करने वाले हैं, वो भी एक बड़ा करोड़ों रुपए में। हाँ, वो स्टैचू बिठाने वाले सभी एक एक इस पे स्ट्रक्चर्स बिठाने वाले। हाँ, लोग आते, बच्चे भी आते, बुजुर्ग भी आते, नौजवान भी आते, हाँ, हजारों पैमाने में। तब क्या होता, ऐसा क्रैक्स होने के बाद कभी भी गिर गया, नीचे पानी है, बोले तो आप क्या कर रहे, एक सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन भी नहीं कर रहे, काम कर रहे बोले तो सेफ्टी स्टैंडर्ड भी नहीं कर रहे और डबल पैसा खर्चा कर रहे। इसके लिए हम सीधा अपोज कर रहे हैं कि आपका काम एक हिसाब से कीजिए, पब्लिक का इंटरेस्ट पे कीजिए। आपको रियली हमदर्दी है पब्लिक का और गुलबर्गा जनता का, बोले तो साउथ MLA को मैं इतना बताना चाहता हूँ, 10 करोड़ ऑलरेडी खर्चा कर रहे हैं ना, वो लेक का पानी बदबू आ रहा, बदबू आ रहा, बोले तो शाम के टाइम देखिए बिल्कुल उल्टी आता वैसा पानी है उधर, उसको क्लीन कीजिए। हाँ, तालाब को पूरा क्लीन करके बाद में काम कीजिए, आपको काम करने में कोई रुकाने वाला नहीं है। वो तालाब का क्लीनिंग भी कीजिए, मेंटेनेंस भी कीजिए, वो भी गवर्नमेंट में है ना, गवर्नमेंट का काम ही है वो मेंटेन करना, क्लीन करना बोल के। अभी एक बात बताना चाहता हूँ, वो बीच में है ना, बीच में उधर सभी बर्ड्स आके बैठते, हजारों बर्ड्स आके बैठते, वो बीच में वो राउंड पूरा है ना, बर्ड्स बैठने का एक प्लेस है, उधर पब्लिक कौन भी नहीं जाते, डिस्टर्बेंस नहीं होता बोल के। आप देखिए कहीं भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ भी उतना ब्यूटीफुल नहीं है, उतना ब्यूटीफुल है बर्ड्स आके बैठने के लिए, वो भी आने वाला फ्यूचर डेज में डिस्टर्बेंस होगा। हाँ, और वही बर्ड्स ये पानी पीते, बोले तो उनको भी जान रहता ना, बर्ड्स को भी केमिकल मिक्स हुए सो पानी, खराब पानी पिए तो भी बर्ड्स किल होते, मर जाते, उसका भी एक सेंटिमेंट रखिए आप। हाँ, क्यों बोले तो हम पब्लिक का भी सेवा करना है पॉलिटिक्स में, और प्राणी पक्षी का भी सेवा करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और एक लेक NOC में बोलते हैं कैरी अभिवृद्धि प्राधिकरण और DM में और माइनर इरीगेशन वाले बफर जोन रहता, लेक का आजू बाजू बफर जोन, उधर सिविल काम करना नहीं, कंस्ट्रक्शन करना नहीं बोल के क्लियरली बता है। हाँ, उससे अफेक्ट होता लेक को बोल के, फिर भी ये मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सिविल स्ट्रक्चरल काम करके पूरा लेक को ख़राब कर रहे। इससे क्या होता, हमारा ब्यूटीफुल कई नूरारू ವರ್ಷಗಳ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಕೆರೆಯದು, ಆ ಇತಿಹಾಸ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶಮುಖರ ಪರಿವಾರ, ಏನು ನಾವು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ, ದೇಶಮುಖರ ಪರಿವಾರ ಕೆರೆ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಎಮ್ಮಿ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಲಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರಿಯಾ ಅಂತೆ. ಆ ಏನು ಹಳೆ ಜನರು ನಮ್ದು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.